हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस और सिलेबस देखने वाले हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपका कितना सिलेबस पूछा जाएगा, कितने अध्यायों में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्लास 11 के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स, यहाँ पर जो आपका सिलेबस पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में, यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा: मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति एवं समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति। केवल इतने अध्यायों में से आपका त्रैमासिक परीक्षा में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन अध्यायों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में मात्रक और मापन इस अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर आपके कुछ अध्याय यहाँ पर हटा दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम की गई विषय वस्तु, यहाँ पर भौतिक जगत जो है आपका संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अध्याय यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 2 मात्रक एवं मापन, इसके कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 28 अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इनको अच्छे से अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 9.46 × 10^15 मीटर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, एक AMU बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा 1.6 × 10^-27 किलोग्राम। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक एंगस्ट्रांग बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा कि एक एंगस्ट्रांग बराबर होता है 10^-10 मीटर। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया गया है, विमीय रूप से सही संबंध है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा कि जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है, 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो व्युत्पन्न मात्रक है वह न्यूटन है। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन, लीटर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दसवां प्रश्न दिया गया है, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, तनाव और पृष्ठ तनाव। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर घन के बराबर है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10^-10
6 की घात घन मीटर, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान दिया गया है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो एक सेकंड में कितने मीटर चलेगी, तो यहाँ पर एक सेकंड में 5 मीटर चलेगी, तो दूसरे खाली स्थान का आंसर 5 मीटर होगा। तीसरा खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर कि ग्रह तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रह होते हैं तारे आदि की दूरियों को हम लंबन विधि द्वारा मापते हैं, तो आपको ध्यान रखना है तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, लंबन विधि। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान दिया गया है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करें कहलाती है, तो क्या कहलाती है, पारसेक कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण खालिस्तान है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या कहलाती है, पारसेक कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खालिस्तान है, बल का विमीय सूत्र है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, यहाँ पर एम एल टी माइनस टू होता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी टी माइनस टू। इसके बाद यहाँ पर छठवां खालिस्तान दिया गया है, एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह 10 के ऊपर 7 की घात ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 10 पे 7 की घात हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सातवां खालिस्तान है, एक नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि एक नैनोमीटर बराबर 10 पे माइनस 9 की घात मीटर के बराबर होता है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, इसी तरह आपको और अन्य सभी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न जो त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आठवां खालिस्तान दिया गया है, आवेश का विमीय सूत्र खालिस्तान है, तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट में AT लिखना है, तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थानों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सही जोड़ियाँ दी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम आ और कॉलम बा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि प्रकाश वर्ष की विमा, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष की विमा अर्थात विमीय सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है, इसकी जो विमा होती है M0 L T0 होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया है आवृत्ति की विमा, तो यहाँ पर आवृत्ति की जो विमा होती है इस प्रकार से होती है, ए नंबर से आपको मिला देना है M0 L0 T-1। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर में आपको पारसेक दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर से आपको मिलाना है 3.08 × 10^16 की घात मीटर। इसके बाद चौथे नंबर में एंगस्ट्रॉन्ग दिया गया है, तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर से आपको मिला देना है 10^-10 मीटर। इसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर में दिया गया है आपेक्षिक घनत्व, तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व का जो आंसर होगा यहाँ पर आपको ई नंबर से आपको मिला देना है, इसका जो विमीय सूत्र होता है M0 L0 T0। इसके बाद छठवें नंबर में आपको दिया गया है खगोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक का आंसर क्या हो जाएगा आपको जी नंबर से मिला देना है 1.496 × 10^11 की घात मीटर। इस प्रकार से खगोलीय मात्रक का इतना मान होता है। इसके बाद सातवें नंबर में दिया गया है ऊर्जा का विमीय सूत्र, तो जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है इस प्रकार से होता है F नंबर से आपको मिलाना है ML2 T-2, तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यह आपके सभी 6 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूरी का, दूसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से इसका आंसर होगा 0.05 मिलीमीटर। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर इस प्रकार से होगा किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा कि परमाणविक नाभिक के आमाप की कोटि यहाँ पर 10^-15 मीटर से 10^-14 मीटर तक होती है। इसके बाद पांचवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा कि मूल राशियाँ उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मौलिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद छठवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से आंसर सहित जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।